दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। दोस्तों अब हम इस वीडियो में बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी इकोनॉमी में, मान लीजिए आपने क्या किया, इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए का न्यू इन्वेस्टमेंट आया। अब इकोनॉमी में जब 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया तो जो अल्टीमेटली इनकम बढ़ेगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 100 करोड़ का किया और इससे इनकम बढ़ी 500 करोड़, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीप्लायर है जिसको हम के से डिनोट करते हैं उसका फार्मूला बनेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यानी कि यहाँ पे हम 500 को 5 से डिवाइड 100 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि इस केस में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा वो 5 होगा। तो मल्टीप्लायर का क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लायर हुआ 5। इसका मतलब कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके मुकाबले जो इनकम बढ़ेगी वो 5 टाइम ज़्यादा बढ़ेगी, 5 टाइम बढ़ेगी, तो उसी को बोलते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो ये एक इकोनॉमिक फैक्ट है, ये इकोनॉमी में देखा गया है कि जब एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है इनकम में जो इंक्रीमेंट होता है, इनकम में जो वृद्धि होती है वो कहीं गुना ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आप 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे तो इकोनॉमी में जो इनकम नज़र आएगी वो 100 करोड़ रुपये से नज़र आएगी। इसी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा गया है। तो आने वाले वक्त में यानी कि इसी वीडियो में हम आगे आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पूरा प्रोसेस समझाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इट इज इकोनॉमिक फैक्ट दैट इनकम इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इनकम ऑल्सो इंक्रीज बट नॉट एज मच एज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा होती है। जो जितने टाइम ज्यादा होगी उसी को इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। अब आखिरकार क्वेश्चन उठता है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा, मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए सपोज कीजिए कि आपने क्या किया, अब मान लीजिए इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहा हूं, आपने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की चेयर बाय की। मान लीजिए आपने सोचा कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनाया, ब्रिज बनाया, तो या सीमेंट खरीदा, मतलब एक फ्लाईओवर बनाने में 100 करोड़ रुपए खर्चे हुए सिंपल शब्दों में, तो ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब इससे जो इनकम बढ़ेगी वो केवल और केवल 100 करोड़ रुपए बढ़ेगी। यानी कि ये उन लोगों को इनकम हो गई, जैसे मजदूरों को इनकम हो गई या कॉन्ट्रैक्टर को इनकम हो गई, 100 करोड़ रुपए की इनकम हुई, सिंपल सी बात है। 100 करोड़ रुपए आपने खर्चा किया इन्वेस्टमेंट ब्रिज बनाने पे, 100 करोड़ रुपए की इनकम हुई। अब जब मार्केट में जब इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए आ गए, जब इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए आ गए तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, या तो उसको कंज्यूम किया जाएगा, या तो उसको कंज्यूम किया जाएगा, या उसको सेव किया जाएगा। अब मान लीजिए कि उसका जो हमारे, हम ये सिंपल मान लेते हैं कि 0.80% हम कंज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाएंगे या 80 करोड़ खर्च कर दिए जाएंगे और 20 करोड़ की बचत हो गई। तो इकोनॉमी में जो कंज्यूम किया जाएगा, यानी कि जो पैसा कंज्यूम किया जाएगा वो किसी और की इनकम है, यानी कि जो डेल्टा सी है इस लेवल पे स्टेज, यानी कि ये हुई स्टेज अगर 1, तो स्टेज 2 में जो आपने कंज्यूम किया था वो दूसरे की इनकम हो गई। यानी कि एक तरीके से जो 80 करोड़ रुपए, मान लीजिए आपने क्या 80 करोड़ रुपए, मान लीजिए टीवी खरीदने में, फ्रिज खरीदने में 80 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो इस तरीके से अब जो इकोनॉमी है, इनकम जो बढ़ी, यानी कि जो नेट टोटल इनकम होगी वो हो गई 100 प्लस 80 180 हो गई। इसी तरीके से अब इस 80 के दो हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा कंज्यूम कर लिया जाएगा, दूसरा हिस्सा सेव कर लिया जाएगा। जो हिस्सा सेव किया जाएगा वो एक तरीके से लीकेज है, जो इकोनॉमी से बाहर चला जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे मान रहे हैं 16, लेकिन ये 64 करोड़ रुपए फिर से इनकम को बढ़ा देंगे, जो कि एक तरीके का इकोनॉमी में क्या है, इंजेक्शन है, फिर से इंजेक्शन आ गया। यानी कि इस 64 करोड़ रुपए की इनकम और हो गई, तो अब यहाँ पे हम 64 और जोड़ देंगे, यानी कि टोटल जो हमारी इनकम हो गई वो अब पहले से ज़्यादा हो गई। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, यानी कि सेविंग एक लीकेज है लेकिन जो कंजम्पशन है वो फिर से इनकम को बढ़ाएगा। यानी कि अगर हम इंटायर इकोनॉमी की बात करें तो एक इकोनॉमी के द्वारा किया गया कंजम्पशन दूसरी के लिए
इनकम होती है। अगर कोई कंज्यूम ही नहीं करेगा तो दूसरा कहीं इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो वो खर्चा नहीं करेगा। यानी कि जो इकोनॉमी है वो सेविंग से नहीं चलती है। सेविंग जरूरी है, सेविंग से इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन जो इकोनॉमी में जो बूम आता है, जो जो इकोनॉमी चलती है, वो चलती है कंजम्पशन से, खर्चे से चलती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट हमने फर्स्ट स्टेज में किया 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, लेकिन कई सारी स्टेज गुजरने के बाद जब लास्ट स्टेज आएगी, क्योंकि धीरे धीरे देखिए आप ये कंजम्पशन की जो वैल्यू है वो घट रही है, लास्ट स्टेज आएगी तो जो टोटल इनकम बढ़ेगी वो कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। इसी को बोला गया है, क्या बोला गया है इसको, इसको बोला गया है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो बच्चों ये सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई, यहाँ पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस को एक टेबल के थ्रू भी समझा देता हूँ, जिससे आपको कंसेप्ट जो है वो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये कुछ हमने लाइनें आप ड्रॉ कर ली है जिससे कि हमें अपनी टेबल बनाने में आसानी रहे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेज, यहाँ हम लिख लेते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ हम लिख रहे हैं चेंज इन इनकम, यहाँ पे हम लिख रहे हैं चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग और टोटल इनकम। ये तीन सब चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब देखिए सबसे पहले सिंपल तरीके से हम ये मान लेते हैं कि जो एमपीसी है वो 0.5 है। आसान रहेगा गुणा करना, जमा करना, घटा करना, है ना, इसलिए हमने 0.5 मान लिया। तो स्टेज वन में हमारा 100 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है जी, इससे जो हमारी इनकम जनरेट होगी वो 100 करोड़ रुपए होगी, जिसका 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाएगा, 50 करोड़ बचत कर लिया जाएगा। इसका मतलब टोटल इनकम जो हुई है वो 100 करोड़ रुपए की हुई है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सेकंड स्टेज आते आते, यानी कि जब सेकंड स्टेज आएगी तो ये वाला जो कंजम्पशन है वो इस वाले की इनकम हो जाएगी 50 की, यानी कि इस स्टेज में दोबारा से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ लेकिन फिर भी इनकम आ गई, क्योंकि जो एक व्यक्ति खर्चा करेगा वो दूसरे की इनकम होगी, जिसमें से 25 को खर्च कर दिया जाएगा, 25 बचा लिए जाएंगे और नेट इनकम जो हो जाएगी वो हो जाएगी 150। देखिए अब आपने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने से इनकम जो है वो 150 की हो गई, टोटल इनकम 150 की हो गई। इसी तरीके से थर्ड स्टेज में जब आप इसे जोड़ोगे तो 25 रुपये की इनकम हो गई, जिसमें से 12.5 खर्च कर दिया जाएगा, 12.5 की बचत कर ली जाएगी और जो नेट इनकम होगी इट विल बी 175। अब धीरे धीरे ये स्टेज चलती रहेगी, यहां ऐसे 12.5 की इनकम, 6.25 खर्चा किया, 6.25 बचा लिया, ठीक है जी। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहेगा और ऐसे ही स्टेजेस चलती रहेंगी और अल्टीमेटली आप देखोगे तो जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे 100 करोड़ का, ये जो डेल्टा वाई को जोड़ोगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये 100 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा जोड़ जोड़ के। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस इसी तरीके से चलता है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया खर्चा दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी यही समझाने का प्रयास कर सकता हूँ बच्चों, डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति जो खर्चा कर रहा है वो दूसरे की इनकम है, सिंपल सी बात है। ये मान लीजिए हमारा इनकम का लेवल है, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है जो किससे मिलके बना है, C+I से, ये इक्विलिब्रियम लेवल है, ये इनकम का लेवल है, ये मान लीजिए हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का लेवल है, जिसे हम E0 बोल देते हैं, इसको Y0 बोल देते हैं। अब मान लीजिए कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये हमारा हो गया AE1, ये हो गया Δi, ये हो गया B, ये हो गया Y1, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इनकम बढ़ी है वो इतनी बढ़ी है, देखो इसको बोलते हैं इनकम बढ़ने को, यहां से लेके यहां तक E2 तक या E1 तक ये हमारी चेंज इन इनकम है, यानी कि इतनी इनकम बढ़ी है, यानी कि पहले जो इनकम थी हमारी OE0, अब वो इनकम बढ़कर हो गई है OE1, ये समझने वाली बात है। लेकिन एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा ये भी हमें देखना है, तो इसके बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस है ये हमारा एक्सपेंडिचर है, यानी कि इतना बड़ा है इन्वेस्टमेंट लेकिन इनकम बढ़ी है ज्यादा। तो बच्चों ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि जब आपने
जब आपका इनिशियली आप इस लेवल पे थे और आपकी इनकम का लेवल ये था, ये इनकम का लेवल E0 इनकम लेवल के बराबर है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बनने से आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बी आ गया, जो आपकी ओवरऑल इनकम है वो यहां से लेकर यहां तक बढ़ गई, यानी कि ये हमारी इनकम बढ़ गई, और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वो केवल इतना बढ़ा है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई है उसके मुकाबले इनकम जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ा है, इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ भी रही होगी।